हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लम्बिंग गुरु पे। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो हम जो आपको सामने बताने जा रहे हैं वो प्लम्बिंग की बाथरूम की सीपी फिटिंग्स के बारे में है। कौन सा नल आते हैं, कौन सा मिक्सर है, कौन सा सेंसर मिक्सर होता है, कहाँ पे किसका उपयोग होता है, कहाँ पे शावर क्या 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 ये है, शावर हेड्स है, शावर है आपका, टेलीफोनिक शावर है, उनके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि वीडियो को स्किप कीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक ज़रूर देखें। और कुछ इसमें ऐसे ही बातें बताऊंगा मैं, जिन्होंने मेंटेनेंस में काम किया उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। मैं दोनों को लेके काम कर रहा हूँ, जो प्लम्बर्स मेंटेनेंस में काम करते हैं या जो प्लम्बर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, मैं दोनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि दोनों को उपयोगी हो। और मैं धीरे धीरे करके वन बाय वन हर चीज़ में इसमें डालूंगा। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक डायरेक्ट पहुँचे और आप उसको देखें और उससे फायदा उठाएं। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट करके पूछें, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो, मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप लोग तक शेयर कर रहा हूँ, तो इससे बहुत खुशी मिलती है। कमेंट आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेट होता हूँ मैं, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो, जो भी हमारे साइट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उसके बारे में शेयर करूँगा कि अगर ऐसे ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऐसे ये करना, आपको ये प्रॉब्लम होगा, मोटर क्यों नहीं चल रहा, या बहुत सारी चीज़ें हैं मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन पे। अगर आपको कमेंट करके पूछेंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं, देर ना करते, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और लेकिन देखें, पूरा देखें और समझें उसको, ताकि आप काम पे अपना जो प्लम्बिंग साइट है या कंस्ट्रक्शन साइट या मेंटेनेंस साइट पे, दोनों में आपके लिए उपयोगी होगी। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए चलते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसका फायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने बाथरूम के सीपी फिटिंग्स के अंदर, कौन सी फिटिंग्स आती है और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। सबसे पहले हमने रखा है शावर हेड को। शावर हेड अभी तो लगभग हर घरों के और जितनी भी आप अगर साइट्स पे काम करते हैं तो वहाँ पे शावर हेड की ज़रूरत ही, शावर तो लगाना ही लगाना है। तो हमने बात किया है वन बाय वन, एक एक पार्ट्स को तोड़ तोड़ के हमने समझाया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि शावर हेड्स, शावर हेड आपको एक मैं वीडियो उसमें बनाऊंगा जहाँ पे बाथरूम फिटिंग्स के हाइट कितनी होती है, मैं उसमें एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग को भी दिक्कत होगा, बोरिंग महसूस होने लगता होगा। तो शावर हेड के बारे में बताया कि शावर लगाते हैं, जो शावर के ऊपर का जो पोर्सन होता है वो शावर हेड कहते हैं। उसका मैं एक अगला चित्र में आप देखेंगे कि उसका अलग से भी आता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाल मिक्सर टेलीफोनिक क्रंच है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, गर्म ठंडा पानी दोनों आएगा और इसके ऊपर झरना में भी आएगा, मतलब कि शावर हेड के अंदर पानी भी आएगा और नीचे एक टेलीफोनिक, यानी टेलीफोन की तरह, जैसे हम लोग पुराने ज़माने में देखते थे कि टेलीफोन की तरह जो शावर होता था उसी टाइप का रिंग बना रहता है शावर, तो उस टाइप का नेक्स्ट चित्र में आपको मैं समझाऊंगा वो चित्र रहता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी को हेड से नहीं नहाने का, शावर हेड से, तो अपना हाथ से लेके भी नहा सकते हैं। तो देखिए ये जो अभी चित्र आप देख रहे हैं यही शावर, ये शावर हेड है। कभी कभी क्या होता है जब पुराने ये हो जाता है तो इसके जो आप छोटे छोटे जो होल देख रहे हैं वो क्या होता है ना, ब्लॉकेज हो जाता है। तो उसको अगर क्लियर, बहुत बार तो प्लम्बर लोग क्लियर कर देते हैं, लेकिन अगर जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता तो क्या करते, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आगे आप देख रहे हैं जहाँ पर सीपी फ्लैंज लगा हुआ, यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद आप दूसरा ला के, मार्केट में अलग से आता है, आप ला के आराम से लगा सकते हैं, क्लाइंट को दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे कस्टमर का पैसा बचेगा और आपका भी अच्छा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रोडक्ट के, नेक्स्ट अपने फिटिंग्स के बारे में। देखिए ये जो आपको आप नज़र आ रहा है यही टेलीफोनिक शावर है। इसमें क्या होता है, ये देखिए ऊपर शावर हेड भी है और नीचे उसका टेलीफोनिक जैसा, मतलब जैसे रिसीवर को जैसे इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी प्रकार से इसका ये, समझिए कि इसका ये फिगर है। तो ये आपके जिसको भी अगर नहाने का, अगर ऊपर से शावर हेड से नहा सकते हैं या नीचे हैंड्स में लेके अपना उसको नहाने के लिए उपयोग अपना किया जाता है। इसका भी एक स्टैंडर्ड हाइट होता है, वो स्ट्री के बारे में मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, सारे फिक्सचर के बारे में, किसका कितना हाइट होना चाहिए, कितना मिनिमम, कितना मैक्सिमम और क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसका रूल्स है, उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने एंगल वाल्व। एंगल वाल्व एक तरह का से ऐसा वाल्व है जिसका उपयोग हम किसी भी चीज़ को कनेक्शन देने के लिए करते हैं, और एक तरह से ये स्टॉप वाल्व भी हो गया, यानी कि अगर इसके ऊपर कोई फिक्सर लगाते हैं तो अगर हम कुछ मेंटेनेंस करना वो ख़राब हो गया तो यहाँ से आप क्लोज़ करके, पूरा मेन वाल्व बंद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से आप क्लोज़ कर लीजिए, उसके बाद आराम से जो इसके ऊपर का जो भी फिटिंग्स है, जिसके हैंड स्प्रे बोल दीजिए या आपका कनेक्शन होस पाइप जो वाश बेसिन के अंदर लगता है, वो अगर फट जाए या लीकेज हो जाए तो यहाँ से वाल्व क्लोज़ कीजिए और यूज़ कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो ये एंगल वाल्व, आपको आप एंगल वाल के बारे में समझ चुके होंगे,
कि एंगल वाल्व का कहाँ यूज होता है, ये अपने वाश बेसिन के नीचे होस पाइप के लिए दिया जाता है या WC के बगल में हैंड स्प्रे के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप बीप कॉक, ये जो आप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीप कॉक शॉर्ट बॉडी है, यानी कि छोटे लेंथ। ये हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जैसे जिसका टॉयलेट के साइज लेंथ में छोटा है और जहाँ पे अगर डब्बा वब्बा भरने के लिए पानी में वहाँ, या बाहर के नल उल के लिए, कार वॉशिंग के लिए, ऐसा जगह पे जहाँ पे लंबाई की ज़रूरत नहीं है तो क्यों पैसा ज़्यादा खर्च करने का, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट बॉडी, इसको बीप कॉक बोला जाता है। नेक्स्ट चित्र की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आपको, हाँ, हमने जो बताया था पिछले चित्र में, ये एंगल वाल्व वन सिंगल यूज़ था। ये जो एंगल वाल्व है ये टू वे एंगल वाल्व इसको बोलते हैं, यानी कि इसमें जो एंगल वाल्व होगा यह दो तरीके से यूज कर सकते हैं आप, यानी कि एक ही टाइम में आप दो चीज़ इसमें, दो फिक्चर जो या दो फिटिंग लगा सकते हैं। अगर किसी को एक में दो शावर चाहिए, या दो किसी को कनेक्शन ले जाके बाहर पानी दाने का है, या कुछ ऐसा यूज होता है मल्टी यूज के लिए, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक में हैंड शावर लगा, जेट स्प्रे लगा लिए या हैंड स्प्रे लगा लिए, दूसरे में अगर हो सकता है कि आप नल लगाना हो, नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं आप बीप कॉक लॉन्ग बॉडी, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे है, जैसे अगर कभी कभी क्या होता है लोग सिंक लगाते हैं, तो सिंक में क्या होता है मिक्सर नहीं लगा पाते कम बजट की वजह से, तो यहाँ पे सिंक को तो सेंटर में पानी होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग बॉडी का नल लगा लिया। ऐसा भी कहीं पर जगह होता है जहाँ पर हमको लंबाई की ज़रूरत पड़ता है, जो दीवार से और जहाँ पर हमको पानी यूज़ करना है वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस, दूरी उसका ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो हम लोग लॉन्ग बॉडी बीप कॉक का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में दोनों तरह का अवेलेबल है, जहाँ पे जैसा यूटिलाइज हो, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि मार्केट में ये फिटिंग होती है। एक प्लम्बर्स को सारे फिटिंग्स की ही नॉलेज होना चाहिए, अगर नॉलेज नहीं है तो आप फिर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं वाश बेसिन पिलर कॉक के बारे में। ये वाश बेसिन पिलर कॉक भी दो टाइप का है, एक शॉर्ट बॉडी में दिखाऊंगा और लॉन्ग बॉडी में दिखाऊंगा, एज पर रिक्वायरमेंट, किसी कस्टमर को कैसा चाहिए, किसी या क्लाइंट को कैसा चाहिए, उस हिसाब से हम लोग लगाते हैं। ये इसका जो बॉडी है वो लंबाई में है, और इसमें देखिए, इसमें जो दिखा रहा है आप, जो लीवर आपको दिख रहा है ये दोनों तरफ घूमेगा, यानी कि राइट घूमेगा तो आपको कोल्ड पानी आएगा यानी कि ठंडा पानी, और अगर लेफ्ट घूमेगा तो आपको, ये मिक्सर है तो इसलिए मिक्सर से भी साबित हो जाता है कि दोनों तरह का मिक्स करके पानी देगा, यानी कि गर्म और ठंडा दोनों आएगा इसमें, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं रहे आप। तो लेफ्ट करेंगे तो गर्म, राइट करेंगे तो ठंडा। नेक्स्ट आपके जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये वाश बेसिन मिक्सर शॉर्ट बॉडी, सेम प्रोसेस, सेम कुछ सब ठीक है, बस इसका जो हाइट होगा वो थोड़ा छोटा होगा और इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, लीवर इसी तरह होगा सेम, ये अपना उठाइए, राइट में कोल्ड, लेफ्ट में हॉट, और इसका जो नीचे आप देख रहे हैं जाली, जहाँ से पानी इसके गिरने का निकासी है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, टाइम टाइम पे उसको भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस के अंदर अगर काम कीजिएगा तो आपको इसका भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा, क्लाइंट के जाएगा, पानी नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं मिल रहा, तो आप क्या कीजिए, उसको ओपन कीजिएगा, उसके अंदर बहुत सारा कचरा होगा, उसको निकालिएगा और साफ़ कीजिएगा, तो फिर से पानी आपको अच्छा आने लगेगा। उसके आगे मैं जाली के बारे में बताऊँगा, देख लीजिए आप, कभी कभी जाली ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर आपको उसको लिए नया आपको लगा सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा जो आपको बहुत ही उपयोगी होगी, को मैं मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन दोनों के हिसाब से वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज होगा। एक बार देख लीजिएगा तो फिर कभी आप भूलिएगा नहीं, पूरा याद ही हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बताऊं आप लोगों को पूरा याद रहे। अब नेक्स्ट चित्र में देख रहे हैं सिंक मिक्सर शॉर्ट नेक, यानी कि ये देखिए सिंक के, ये अभी मैं बताया था सिंक के, जहाँ पे जिसको ज़्यादा पैसा तो सिंक मिक्सर वहाँ पे लगाते हैं। इसमें दोनों तरफ का, दोनों का स्विच अलग अलग है, राइट भी है और लेफ्ट भी है, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, राइट चाहिए तो, मतलब कोई कोल्ड चाहिए तो राइट और हॉट चाहिए तो लेफ्ट। उसी के बाद नेक्स्ट आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें क्या है, सिंगल लीवर है, लेकिन इसका जो नेक है यानी कि इसका जो गर्दन है वो आप बड़ा देख रहे हैं, यानी कि थोड़ा घुमा के दे रहा है, और ये थोड़ा लॉन्ग भी हो जाएगा, तो पानी थोड़ा, अभी क्या नया नया आजकल ये टूल्स आ गया है, देखते हो फ्लिपकार्ट वगैरह पे, उसमें सिंक में लगा के झरना जैसा इस्तेमाल करने के लिए, तो यहाँ पे कभी कभी वो लोग नया लंबे गर्दन वाली यानी कि लॉन्ग नेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चित्र की तरफ। ये भी आपको सिंक मिक्सर है,
उसमें मैंने दिखाया था जो सिंगल लीवर था और इसमें डबल लीवर है, यानी कि दोनों तरह का मार्कर सिंगल लीवर भी आप लगा सकते हैं और डबल। और ये जो सिंक मिक्सर है ये सेंटर होल है, यानी कि देखिए नीचे जो आप दिया हुआ है वो जो था वाल मिक्सर था, यानी कि वाल में फिट करते थे। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये होल सेंटर होल है, यानी कि नीचे आपको वाश बेसिन के अंदर होल रहेगा, उसके अंदर उसको डाल के और नीचे से फ्लैंज वगैरह होगा और गैसकेट वगैरह लगा के टाइट कर सकते हैं। ये आपको दीवार वाला नहीं, वाल वाला नहीं है, ये आपको होल सेंटर होल मिक्सर है। तो कंफ्यूज नहीं रहे आप लोग, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, पूरा क्लियर होना जाना चाहिए। अब देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन, ये जो सेंसर टाइप है, ये वाश बेसिन मिक्सर है, ये सेंसर टाइप है। यहाँ पे देखिए आप एक नीचे स्विच के बगल में काला जैसा आपको नज़र आ रहा है, जो ब्लैक जैसा, वही आपका सेंसर है। मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, अगर ये सेंसर काम नहीं करो तो क्या होगा। नीचे एक बैटरी होता है, कैसे बैटरी को लगाना है, चेंज करना है, और कैसे बैटरी आपका डिस्चार्ज होगा तो पानी नहीं आएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक ही वीडियो में सब कुछ डाल दूंगा तो हौच पहुँच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको मिले। इसमें क्या होता है कि मिक्स करके जो बाहर आप जो स्विच देख रहे थे उसको आप सेंटर ये यूज कर सकते हैं और उससे गर्म ठंडा दोनों मिक्सर का आएगा। बस हाथ लगाइएगा नीचे और आपको पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अपने चित्र की तरफ, टू वे बीप कॉक, यानी कि बीप कॉक हम लोग जो देखा था हम लोगों ने वो सिंगल था, ये टू वे है, यानी कि एक तरफ से आप नल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा इससे कनेक्शन ले जाके हम कुछ अगर कहीं पे क्या होगा कि वाशिंग मशीन का कनेक्शन देना है या आपको कूलर के अंदर पानी भरने के लिए कनेक्शन चाहिए वो आप दे सकते हैं, इसमें से टाइट करके फ्लैंज टाइट करके अपना फ्लेक्सिबल होज लगा के, या किसी को अगर हैंड स्प्रे का यूज़ करना है टॉयलेट में लगा रहे हैं तो वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयलेट WC के पास लगाए तो और अच्छा है, क्योंकि आपको वो लोटा वगैरह होता है उसमें भी पानी इस्तेमाल कर लीजिए, और अपना हैंड स्प्रे जिसको चाहिए हैंड स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉक की तरफ, ये आपका पुश कॉक है, यानी कि आप जनरली आप रेलवे स्टेशन या ऐसे बड़े बड़े कहीं पे गए होंगे तो वहाँ देखी होगा जनरली आपको ये पुश कॉक, ये आपको जनरली वाटर कूलर के अंदर मोस्टली ये वाटर कूलर और जहाँ ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन वगैरह होता है ड्रिंकिंग का वहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप विजिट की होइएगा रेलवे वगैरह में तो आपको जरूर ये नज़र आया होगा पुश कॉक। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर का बटन है उसको आप एक हाथ से दबा दीजिए, और जब तक आप ये क्या होगा कि रेलवे स्टेशन में तो ग्लास वगैरह होगा नहीं तो पानी कैसे पीजिए, दोनों हाथ से पीजिएगा तो क्या होगा, दबा दीजिए थोड़ा देर या दो कुछ सेकंड या तो 30 सेकंड 40 सेकंड तक ये पानी आपको देता रहेगा, उसके बाद अपने आप ये बंद हो जाएगा। कहीं कहीं पे क्या होता है दबाइए पानी गिरेगा छोड़ दीजिए वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं डाइवर्टर के बारे में, यानी कि हम लोग जो वाश बेसिन में वाल मिक्सर जो लगाया था इसके लिए, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है वाल मिक्सर जो अगर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे डाइवर्टर भी एक होता है, जैसे ऊपर पानी जाता है यहाँ पे एक स्विच रहेगा दोनों मिक्स करके डाइवर्ट मतलब कर देता है पानी को। दोनों आप दोनों का कनेक्शन दीजिए, देखिए साइड में एक इधर एरो दिया हुआ है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एरो, दोनों से एक तरफ से ठंडा पानी जाएगा एक तरफ से गर्म पानी आएगा और ऊपर जो आपका चला जाएगा ये आउटलेट हो जाएगा और इसे दोनों को मिक्स करके ऊपर ठंडा गर्म पानी को देगा। अभी आजकल इसको यूज कम ही चल रहा है क्योंकि मिक्सर आ जाने के बाद इसका थोड़ा इस्तेमाल कम होने लगा है। ये देखिए कंसील वाल्व, जिसको अब ये कंसील वाल्व या फिर कहीं कहीं पे सावर जो आदमी लगाते हैं, जो अब जिसके पास मतलब कैपेसिटी नहीं है वगैरह नहीं है, जहाँ पे क्लाइंट बोलेगा नहीं ये नॉर्मल यही लगा दो कम खर्च की वजह से, यहाँ पे आप कंसील वाल्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे से इनलेट आएगा और ऊपर आपका जाएगा, ऊपर सावर भी लगा सकते हैं। दूसरा और भी मल्टीपर्स यूज है, दोनों तरह का यूज कर सकते हैं कंसील वाल्व का, जैसा रिक्वायरमेंट। फिटिंग्स का जानकारी दोस्तों आपके पास रहना चाहिए, उसके बाद ही आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं बॉटल ट्रैप, बहुत उपयोगी है, हमने बात किया था सिंक मिक्सर का, सिंक का और वाश बेसिन का। तो वाश बेसिन के नीचे हम लोग बॉटल ट्रैप लगाते हैं या सिंक के अंदर भी बॉटल ट्रैप लगाते हैं, तो सिंक का थोड़ा डिफरेंट होता है, वाश बेसिन का थोड़ा हल्का माइनर डिफरेंट होता है। तो उसमें आप देखिए ये आपका बोतल ट्रैप है और जो नीचे आप देख रहे हैं वहीं पे वाटर सील बनता है। मैं इसके वाटर सील क्या होता है बोतल ट्रैप क्या होता है उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें, और क्या बोलते हैं कि इसको कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछें, कुछ भी नॉलेज हो डाउट हो या दिक्कत हो या हमने कुछ गलत बताया हो तो हमें बताएं ताकि मैं उसको अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और आप लोग ही फीडबैक दीजिएगा तभी मैं अब बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी नॉलेज है जो भी 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास मैं आप लोग तक सबके तक शेयर करूँ। नेक्स्ट आपने बोतल ट्रैप को तो देख ही लिया है, बोतल ट्रैप का बाद आप इसी के अंदर जो आप देख रहे हैं यही है वाश बेसिन पॉपअप वेस्ट और नॉर्मल भी। पॉपअप वेस्ट में क्या है कि पॉपअप वेस्ट में खूबी क्या है कि अगर ये आपको जनरली हम लोग इसमें सिंक में लगाते हैं,
सिंक में क्यों लगाते हैं? कभी कभी सिंक में बर्तन धोने के लिए क्या होता है, पानी हमको जमा चाहिए, क्या पानी जमा रहेगा तो उसमें बर्तन धो सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पर क्या है पॉप को इसको पुश कीजिएगा तो ये पानी ब्लॉक कर देगा, मानी कि पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी रुक जाएगा आपका, तो वहाँ पर क्या होगा कि पानी रुक जाएगा, बर्तन धो लीजिएगा, फिर दबाइए, फिर ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इसके लिए इसका मोस्टली इस्तेमाल जो है ना हम लोग सिंक के अंदर ही किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये है वाश बेसिन का वेस्ट कपलिंग, यानी कि जो हमने बोतल टैप दिखाया था आपको उसके ये नीचे से बोतल टैप लगेगा और ये वाश बेसिन के ऊपर से रहेगा और इसी के अंदर वो टाइट होगा ताकि ये पानी जो डायरेक्ट जाएगा बोतल टैप में जाए, बोतल टैप से आपको वेस्ट पाइप के द्वारा उसका जो वेस्ट पाइप में बाहर आउटलेट में चला जाए। तो इसमें क्या होता है कि दो साइज आता है, एक शॉर्ट बॉडी भी आता है, एक लॉन्ग बॉडी भी आता है। तो रिक्वायरमेंट कहीं कहीं किसी किसी का वाश बेसिन का जो मोटाई होता है, जो डेप्थ होता है वाश बेसिन का, तो किसी किसी का पतला होता है, किसी का मतलब मोटा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि लेंथ आपको ज़्यादा ले लेगा तो वहाँ पर लॉन्ग बॉडी इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर उसका पतलाई थिकनेस कम रहेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे शॉर्ट बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आप जो देख पा रहे हैं यह सिंक का वेस्ट कपलिंग, एक तो हमने पॉपो वेस्ट कपलिंग दिखाया था और एक ये अपना सिंक का वेस्ट कपलिंग, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं जो एक नोजल जैसा निकला हुआ, क्या हुआ कि उसको भी उठाइएगा तो ये भी है क्या कि ऊपर का जो भी कचरा है ये आपको जो आपको कटा कटा हुआ जैसा छिद्र दिख रहा है तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका स्क्रैप वगैरह खाना पीना मिर्ची वगैरह जो भी आता है धुलता है तो वहाँ पर जाकर फंस जाता है, फिर उसको उठाइए आप जाके डस्टबिन में रख दीजिए, और इससे क्या बचा होता है कि आपका जो कचरा है उसको पाइप के अंदर नहीं जाने देता, जिससे आपको पाइप को ब्लॉकेज से बचाता है आपको। हमने जो बात की थी कि एक जो वेस्ट कपलिंग दिखाया था वाश बेसिन का वो बड़ी वाली थी, लॉन्ग था, और ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट है, इसमें कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम चीज़ है, बस दोनों का इस्तेमाल अलग अलग है कि जहाँ पे आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और मैं समझाने की अच्छा से कोशिश कर रहा हूँ आपको, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछें, मैं आपको कोशिश करूँगा आपको इसका जवाब देने के लिए। हाँ ये अपना नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं वाश बेसिन का वेस्ट पाइप। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोतल ट्रैप को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बोतल ट्रैप की जगह पे हम लोग वाश बेसिन का वेस्ट पाइप इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ऊपर से जो कनेक्शन वाश बेसिन से आया और इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे ये पुश कर देंगे आपको वेस्ट पाइप में, यानी कि जो 50 mm का जो पाइप हम वेस्ट का पाइप देते हैं, एक प्लम्बर होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट हम उसको पुश कर देंगे अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इमेज में पहला चित्र में देख रहे हैं कि पतला सा निकला हुआ है ये सॉकेट जैसा, ये आप सीधे इसमें पुश कर दीजिएगा वेस्ट पाइप में और यहाँ से पानी आपका डायरेक्ट उसमें चला जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि बोतल ट्रैप लगा, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा लेकिन इससे क्या होगा ना कि स्मेल वगैरह जो है आपका टॉयलेट का या जो गटर का जाके कनेक्शन दिया जाता है तो उसमें आपको स्मेल वगैरह नहीं आएगा, इससे प्रिवेंट होता है, सेफ होता है। अब सीपी फिटिंग का जब काम कीजिएगा तो जो भी थ्रेड वगैरह होता है उसको टाइट करने के लिए आपको टेफ्लॉन टेप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका नाम टेफ्लॉन टेप है, और इसका इस्तेमाल भाई जितना भी सीपी फिटिंग्स होती है जो थ्रेड होता है उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद इसको टाइट किया जाता है ताकि लीकेज से आप बच सकें। नेक्स्ट आप जो चित्र में देख पा रहे हैं वह हेक्स निपल है, हेक्स निपल के बारे में है, यानी कि दो चीज़ों को ज्वाइंट करना आपस में, जैसे मान लीजिए कि आपका कनेक्शन पाइप ही इस्तेमाल करना अगर छोटा पड़ गया आपका पाइप तो क्या कीजिएगा, कैसे ज्वाइंट कीजिएगा उसको, तो दो किसी भी दो पाइप को या दो फिटिंग्स को जोड़ने के लिए हेक्स निपल का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आता है, छोटे साइज में भी आता है और बड़े साइज़ों में भी ये मार्केट में और है उपलब्ध है। तो हेक्स निपल का इस्तेमाल आप समझ गए होंगे कि हेक्स निपल का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, दो कनेक्शन पाइप को जोड़ने के लिए या किसी भी फिटिंग्स को या लेंथ को बड़ा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सीपी निपल के बारे में, सीपी एक्सटेंशन निपल, यानी कि ये तो हेक्स निपल था और सीपी एक्सटेंशन निपल, जैसे मान लीजिए कि किसी का अगर आपको सावर मिक्सर ही फिट करना हुआ या सिंक मिक्सर ही फिट करना हुआ तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर प्लम्बर की गलती की वजह से क्या होगा, जो FTA हम लोग यूज़ किए होंगे या एल्बो यूज़ किए होंगे तो वो क्या होगा अंदर रह जाता है, तो अंदर रह जाता है तो बाहर कैसे निकाल कि आपका जो लेंथ होगा जो इसका सिंक मिक्सर का या वाल मिक्सर का या सावर मिक्सर का तो वो तो एक स्पेसिफिकेशन रहता है, तो आप जैसे टाइट करने जाइएगा तो ज़्यादा डेप्थ दीवार के अंदर रहता तो आप इस्तेमाल कर नहीं पाइएगा, तो वहीं पर वहाँ पर सीपी एक्सटेंशन निपल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अंदर का चूड़ी अंदर की तरफ टाइट हो जाए और बाहर जो स्पेस मिले वहाँ पर आप टाइट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सर्व साइज होता है, जैसा जितना गैप आपको मिल रहा है उस हिसाब से आप साइज का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका रिड्यूसर सॉकेट,
इसका ज़रूरत इसमें नहीं था, लेकिन हमने फिर भी डाल दिया है रिड्यूसर सॉकेट के बारे में, कि कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि कोई एक इंच से आधा इंच का पाइप ज्वाइन करना या 3x4 से हाफ इंच ऐसा कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये भी मैं डाल दिया हूँ ताकि आपको नॉलेज में बना रहे कि हाँ ये भी एक फिटिंग्स है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो रिड्यूसर सॉकेट जैसे कि नाम से ही मालूम चल जाता है कि रिड्यूस करना, किसी भी बड़े साइज़ को छोटे साइज में कन्वर्ट करना। और हमने जो बताया था कि सिंक या वाश बेसिन मिक्सर या आपको शावर मिक्सर के अंतर्गत एक छोटा सा जाली रहता है जिसको मैं टाइम टू टाइम आप ये कर सकते हैं, खोल के साफ़ कर सकते हैं, या ख़राब हो जाएगा तो कट टूट वगैरह गया तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आप चित्र में जैसे देख रहे हैं कि बिफ़ोर कैसे पानी गिर रहा था और आफ्टर इसको चेंज करने के बाद कितना मतलब फ्लो में पानी गिर रहा है, तो ये सभी जानकारी होना चाहिए। इसका वाशर वगैरह ये भी मार्केट में इसका भी फिटिंग अवेलेबल है, क्योंकि हमारे साइट पे तो कंपनी ला के दिया था तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों ये होता है, क्यों अलग से आता है, क्यों कभी कभी क्या होगा ना इसको खोलने के क्रम में आपको टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पतला रहता है थिकनेस इसका, और किसी प्लम्बर को एडजस्टेबल या पाइपलाइन से पकड़ के खोल दिए बस क्या होता है उसी में वो पिचक जाएगा और टूट जाएगा। इसके लिए कंपनी ने अब इसको अलग से बनाना स्टार्ट किया और आप ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो आप चित्र में देख रहे हैं सीपी फ्लैंज, यानी कि अगर आपने एंगल वाल फिट किया हो या सावर मिक्सर या आपने पीछे आप जाके देख सकते हैं जो भी आप सीपी फिटिंग यूज किए हैं, तो क्या होता है कि दीवार आपको पीछे तो दीवार दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, खूबसूरत नहीं लगेगा, तो उसके लिए सीपी फ्लैंज आता है, यानी कि इसको पहले लगा लें। अगर आप एक एंगल वाली फिट करने जा रहे हो तो पहले इसको एंगल वाले पहना दें, उसके बाद एंगल वाल को आप उसमें टाइट कीजिए, ताकि उसके बाद क्या होगा जब फिनिशिंग होगा तो आप देखने में खूबसूरत लगेगा और अंदर का जो ये है थ्रेड वगैरह वो आपको दिखेगा नहीं और थोड़ा फिनिशिंग लगेगा, देखने में खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्लेक्सिबल होस पाइप। ये जो दोस्तों ये साइज डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग साइज़ों में ये मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आपको छोटा साइज चाहिए जनरली 60 mm, 40 mm या 80 mm या 120 यानी कि 1 मीटर 200 mm, तो इसके साइज में अवेलेबल है। आप जैसे आप एंगल बाल से आपको कनेक्शन देना है वाश बेसिन मिक्सर में तो यहाँ से आप फ्लेक्सिबल होस के थ्रू आप कनेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद या सिंक के मिक्सर में अगर कनेक्शन देना है पानी का तो एंगल वाल से सिंक मिक्सर के अंदर कनेक्शन दे सकते हैं, और या गीजर में अगर आपको कनेक्शन देना है तो एंगल वाल से इसको कनेक्शन करके एक तरफ से ये रहेगा एक तरफ से गीजर रहेगा, दोनों का कनेक्शन दे लीजिए। नेक्स्ट जो आप चलते हैं ये वीडियो की तरफ, हैंड हेल्थ फॉसेट इसको बोलते हैं, जनरली अच्छे साइट पर जाएगा तो हेल्थ फॉसेट बोल जाता है, हैंड स्प्रे बोलते हैं, जेट स्प्रे बोलते हैं, सताब भी बोलते हैं, इसका बहुत सारा नाम है, जहाँ जहाँ पर जैसा होगा वहाँ पर लोग इसका ये करते हैं। ये आपको WC के पास लगाया जाता है, जनरली आपको अब तो लगभग इंडियन WC हो या वेस्टर्न WC हो दोनों में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये अपना इसका क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होज रहता है, ये अपना एंगल वाल में टाइट कर दीजिए, मैंने एंगल वाल के बारे में बता ही दिया आपको, एंगल वाल में उसको टाइट करें और अपना उसको जेट स्प्रे को चेंज करें। जेट स्प्रे का के बारे में और बता दूँ, अगर मेंटेनेंस कंपनी में काम कर रहा है तो जेट स्प्रे बार बार टूट जाता है, तो एक मैं अपने वीडियो भी डाला हूँ, हो सकता है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि जेट स्प्रे अगर ख़राब हो तो कैसे चेंज करना है, कौन सा टूल यूज होगा, तो आप लिंक नीचे आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, छोटा ही वीडियो है 2 मिनट का है, आप देख के सीख सकते हैं कैसे चेंज करना। इसलिए इसका अलग से हेड आता है, कभी कभी क्या होगा कि पाइप आपका अच्छा रहेगा लेकिन हेड का जो पुश जो करने वाला जो स्विच है आपका जो बटन है वो पुश करते करते स्प्रिंग उसका ढीला हो जाता है टूट जाता है, तो वहाँ पे अलग से हेड आता है, आप चाहिए तो हेड को भी चेंज करके काम चला सकते हैं। और दोस्तों एक और मैं ख़ास चीज़ बना दूं, लेकिन अभी ये थोड़ा इसका उपयोग कम हो रहा है लेकिन फिर भी नॉलेज में डालना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैं इसको भी इसमें वीडियो में शामिल किया हूँ। ये बीप टैप स्पिंडल है, यानी कि कहीं कहीं क्या होगा आप गए कि पहले किसी के घरों में या प्लम्बर का आपने काम किया होगा तो मालूम चला होगा, इससे पहले नॉर्मल बीप टैप ही आता, यानी कि वाश बेसिन में लगा हुआ ऊपर लगा देते थे जैसे बीप कॉक छोटा वाला देते, समझिए कि बीप कॉक ही है। बीप कॉक के अंदर जो घुमाने यानी कि हम लोग राउंड करते हैं ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो क्या घूमता है, यही उसके अंदर रहता है। ये जो रेड वाला देख रहे हैं ये वाशर है, यही ओपन ये नीचे जाएगा तो समझिए पानी बैठ गया और टाइट जैसे ओपन कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि पानी का फ्लो उसके अंदर जाने लगेगा। तो उसका स्पिंडल आता है वो अलग से मार्केट में, अगला किसी ख़राब हो गया तो आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मैं बहुत ही खास फिटिंग्स के बारे में जिसके बारे में वीडियो बनाया था कि बताया था कि वीडियो के अंत तक देखें, मैंने आपको एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये स्पेशल फॉर उस प्लम्बर के लिए है जो मेंटेनेंस साइट पर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये है नो हब कपलिंग, यानी कि क्या होगा कि अगर दो पाइप ज्वाइंट आपका टूट गया, इमरजेंसी में पानी लीक कर रहा था, क्या कीजिएगा आप, तो आप रात में तो फिटिंग से नहीं होगा, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए ये साइज हर साइज़ का डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का आता है मार्केट में, एक तरफ से
तो मतलब एक सिरा में दूसरा पाइप, एक दूसरा में एक सिरा में दूसरे पाइप में आप आराम से उसको ज्वाइन करके उसके अंदर होस क्लिप रहता है, आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दीजिए और उसको अपना आराम से यूज कीजिए। इमरजेंसी में काम आता है, इमरजेंसी कपलिंग ही उसको बोलते हैं हम लोग आराम से। और इसके दोस्तों अगर ये जो हमने फिटिंग्स के बारे में दिखाया है, मैं इसके लिए नेक्स्ट एक वीडियो में मैं शूट करके बताऊंगा कि कैसा वाश बेसिन फिक्सर है, कौन कहाँ पे लगा हुआ है, कैसे सताप लगाता है, सताप क्या होता है उसके। अभी यानी कि आप तो ऐसा देखें ना, आप पिक्चर में देखें, अब मैं आपको लाइव जाके मतलब साइट पे एज पर साइट दिखाऊंगा कि किस टाइप से कहाँ पे यूज होता है, क्या क्या है। कोशिश करूंगा कि लगभग सब कुछ दिखाऊं, लेकिन सब कुछ हो सकता है कि ना दिखा पाऊं, क्योंकि हर बाथरूम में सब कुछ यूज नहीं होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही मैं इसके लिए आपको बनाऊंगा। और एक और मैं नेक्स्ट आपके लिए तैयारी, बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा सर ट्रैप्स के बारे में बताइए, ट्रैप के बारे में बताइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ तो जॉब करके टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ, शेयर करता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भी इससे नॉलेज हो, देखे सीखे कुछ आप, और मेक इन इंडिया बनाएं, अपने इंडिया को आगे बढ़ाएं।